हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और माता रानी करें आप लोग हमेशा अच्छे रहें। तो आज मैं आपके लिए एक और स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि हमें बीमारियों से बचाने के ऊपर है। तो आजकल आप जानते हैं कि भारत में मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि मतलब इतना ज़्यादा हो गया है मच्छर और मक्खियाँ कि हमें उनसे बचने की ज़रूरत है। शाम को 5 बजे नहीं कि हमें अपनी खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद करके रखना होता है क्योंकि हमारे घर में मच्छर आ जाते हैं। तो आज मैं उसी से रिलेटेड आपको कहानी सुनाऊंगी। आपको पता होगा कि हमारे भारत में मच्छर मक्खियों की वजह से हर वर्ष 10 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं सिर्फ मच्छर और मक्खियों की वजह से। तो आप ये चीज़ तो बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि कोई ना कोई बीमारी रहता है मच्छर और मक्खियों की वजह से, कहीं टाइफाइड, कहीं कुछ हमेशा लगा ही रहता है। तो हमेशा इन लोग से बचकर रहना चाहिए। मतलब हम सतर्क रहेंगे तभी हम अपने घर वालों को बचा सकते हैं मच्छर और मक्खियों से। मक्खियाँ एक ऐसी चीज़ है जो ऐसी जगह पर बैठती हैं, बहुत गंदे जगह पर बैठकर वो हम पर आती हैं, हमारे ऊपर बैठती हैं, हमारे खाने वाली चीज़ों पर बैठती हैं। तो मच्छर और मक्खियाँ मतलब उसी जगह पर बैठती हैं जहाँ सबसे ज़्यादा गंद हो, सबसे ज़्यादा गंदगी हो, वहाँ बैठ कर वो क्या करती हैं, वहाँ बैठती हैं, बैठ कर वो हमारे ऊपर बैठ जाती हैं, कहीं हमारे हाथों पर। तो आज उसी से रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने चल रही हूँ। एक गांव था जिसका नाम जतनपुर था। तो वहाँ कुछ दिन से वहाँ के गांववासी जो वो बीमार पड़ने लग गए थे और बीमार होने की वजह से कई लोग मर भी गए। तो वहाँ जब डॉक्टर आए उन्होंने मतलब चेक किया, जो बीमार लोग थे उनको चेक किया तो पता लगा कि ये बीमार इसलिए हो रहे हैं, मतलब इनकी बीमारी का कारण मक्खियाँ हैं, मक्खी प्लस मच्छर। तो डॉक्टर ने सलाह दी कि आप लोग पानी इकट्ठा ना होने दें कहीं, अपने घर में साफ़ सफाई रखें। लेकिन सब बीमार होने के कारण और गांव में इतना कोई ध्यान नहीं देता तो कोई करता नहीं था। तो वहाँ एक राजू नाम का लड़का रहता था और वो कक्षा 2 में पढ़ता था। तो वो स्कूल में जब वो पढ़ाई करता तो वहाँ पर उसकी मैम ने इन सब बातों पर मतलब बुक में कोई पाठ रहा होगा तो उनको बच्चों को पढ़ाया था। तो उसमें बताया था कि मच्छर और मक्खियों से कैसे बचें और मतलब वो हमारे घर में अगर आती हैं, हमारे किसी चीज़ पे बैठ जाती हैं, हमारे खाने पे बैठ जाती हैं या हम पे बैठती हैं तो हम उसी से ऐसे कर अपनी नोज़ी साफ़ कर लेते हैं, आई साफ़ कर लेते हैं तो उससे हम बीमार पड़ जाते हैं। तो राजू को ये चीज़ मतलब स्कूल में बताया गया था तो उसने आकर अपनी मम्मी से बोला, मम्मी आप मतलब हम किस लिए बीमार पड़ रहे हैं ये तो डॉक्टर ने बता दिया, हम उसको हटाएं कैसे, वो मच्छर मक्खियों को अपने घर में आने कैसे ना दें, वो चले मेरी मैम ने बताया हम वही करते हैं। तो उसकी मम्मी ने कहा चलो बेटा क्या करना चाहिए इसके लिए हमें। तो वो बाज़ार गया, बाज़ार से उसने फिनाइल की एक बॉटल ली, फिनाइल की मतलब मच्छर और मक्खियों को भगाने के लिए उसने एक दवा का इस्तेमाल किया। अब फिनाइल ही समझ लीजिए, मैं किसी कंपनी का कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ लेकिन दवाई, मुझे कोई दवाई का नाम नहीं समझ में आया तो मैंने फिनाइल बोल दिया। तो उसने वो दवा लिया और घर पे गया और उसी के पानी से अपने पूरे घर में उसने साफ़ सफाई करना शुरू कर दिया, पूरे घर को अच्छे से उसी पानी से पोछा वगैरह लगाया, हर चीज़ साफ़ सफाई की और जितने भी लोग खाना भोजन बनाते थे उसको ढक कर रखने लग गए, हर भोजन को ये लोग ढक कर रखने लग गए जिसकी वजह से मक्खियाँ आती तो पर मक्खी मच्छर आते तो पर वो किसी चीज़ पे बैठ नहीं पाते और जिसकी वजह से उनको घर छोड़ के जाना ही पड़ा। तो और मच्छर के लिए उन्होंने क्या किया, शाम होते ही वो अपनी
अपना डोर मतलब अपनी अपना दरवाज़ा, अपनी खिड़कियाँ, ये सब उन्होंने बंद करना स्टार्ट कर दिया शाम होते ही। मतलब ये तो आप भी जानते हैं, 5 बजते ही अगर हम ना बंद कर लें खिड़की दरवाजे तो मच्छर बहुत सारे हमारे घर में आ जाते हैं, और ये करने से उनके घर में मक्खियाँ आना बंद हो गई। हालांकि पूरे गांव में मक्खी और मच्छर आना थोड़ा कम हो गए, और जिससे बीमारी जो फैली थी वो कम हो गई, और सब जो बीमार हो रहे थे बार बार, कितने लोग की डेथ हो गई थी, जो डेथ हो गई थी वो लोग तो वापस नहीं आए, लेकिन हाँ जो लोग बीमार थे वो धीरे धीरे ठीक होने लगे, और उसके बाद गांव में अच्छे से खुशहाली फैल गई। तो मेरा मेन मकसद ये है ये कहानी बताने का कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा मक्खी मच्छर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। स्वयं की सतर्कता से बड़ी बड़ी, स्वयं अगर सतर्क रहें तो उससे बड़ी बड़ी बीमारियों को हम हरा सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद रखिए, पानी नहीं जमा होने दीजिए, कूलर को हमेशा साफ़ करके रखिए, एक जगह पर बहुत ज़्यादा पानी कई दिनों तक इकट्ठा ना करके रखिए, हमारी जो ऊपर टंकी रखी रहती है उसको भी हमें साफ़ करके पानी रखना चाहिए, और किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की, किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी से की जाती है, मिसाल उस मक्खी से की जाती है जो इतना सुंदर जिस्म छोड़कर, जो इतना सुंदर जिस्म छोड़कर जख्म पर जाकर बैठती है। तो मक्खी ऐसी चीज़ है जो गंदी जगहों पर ही बैठती है, और गंदी जगहों से होकर के हमारे ऊपर आकर बैठती है, हमारे खानों पर बैठती है, जिससे हम बीमार पड़ते हैं। तो आज की कहानी में मेरे बस इतना ही था कि आप लोग प्लीज़ बचिए मच्छर मक्खी और सब चीज़ों से बचिए, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और प्लीज़ आकर के 9:30 बजे आकर के हमारी वीडियो देखें और ये कहानी सुनें, और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो, मेरी और स्टोरी आपके पास पहुँच सके। तब तक के लिए नमस्ते।